मॉर्निंग फ्रेंड्स, शानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो सुबह हो गई है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरी सनोफी उठ गई है और मैं इसकी किचन के स्लैब पे इसको पिटा दी हूँ, इसकी टोकरी में, इधर से उधर, उधर से इधर करी जा रही थी। और मैं बहुत गुस्सा कर रही थी इस पर। अब देखो कैसे सुत मास की तरह एकदम लेटी हुई है। स्नोफी हेलो करो, सबको हेलो करो, हेलो करो स्नो। ये तो मगन हो गई है खाना वाना खा के। तो मैं अब सुबह का पापा का खाना बना रही हूँ और सफाई कर रही हूँ, क्योंकि दीदी कल शाम को भी नहीं आए और आज मॉर्निंग में भी नहीं आए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो हमें ये सारा काम करना पड़ रहा है। तो मैं सारा काम वाम करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, स्नोफी मेरे साथ सो रही है धूप में। ये देखो स्नो, क्या हुआ, भूख लग रही है आपको? ये देखो आवाज़ भी कर रही है और सो भी रही है। और ये बाल्टी रख ली है ताकि इसको परछाई मिले। और देखो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ हलवा और मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनता है मेरा हलवा। तो मैंने घी, इसको पहले कैसे बनाना है ये बताती हूँ मैं आपको। मैंने कढ़ाई की पानी फेंक दी है, अब कढ़ाई गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद डालेंगे घी। अब इसमें डालते हैं घी, और घी डालेंगे हम भर भर के इसमें, क्योंकि हम पहले इसमें फ्राई कर रहे हैं इसको। और हमारा गाजर का क्वांटिटी ज़्यादा है, 3 kg है, तो इसको हम पहले घी में फ्राई करेंगे। घी गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ, ये 3 kg गाजर है, कद्दूकस कर लिया हमने, और ये 250 ग्राम घी है, ठीक है। अब 250 ग्राम घी में हम गाजर का हलवा को फ्राई करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे, इसे भूनते रहेंगे। ये हमने डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने हलवे को ऐसे घी में मिला लेना है अच्छे से। देखो मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ, इसमें और घी लगेगा, पर अभी मैंने थोड़ा घी डाला है, क्योंकि अभी हल्का धीरे धीरे करके फ्राई करते रहेंगे और धीरे धीरे करके घी डालते रहेंगे। तो और मैं थोड़ा थोड़ा करके गाजर और डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से थोड़ा गल के कम हो जाए क्वांटिटी, क्योंकि कढ़ाई भर गया है और अभी भी हमारा इतना गाजर का वो बचा हुआ है कद्दूकस। देखो फ्रेंड्स, अब इतना बचा है और काफ़ी सारा इसमें डल चुका है, धीरे धीरे मिला मिला के इसे मैंने सारा एडजस्ट कर दिया है। अब बस थोड़ा सा रह गया है, ये भी मैं डाल दूँगी, गलते जा रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे मैं इसमें डाल रही हूँ। ऐसे आराम से मिलाना पड़ रहा है, वरना बहुत सारा गिर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, बस अब इतना सा बचा है और मेरा काफ़ी हद तक ये गल गया है हलवा। अब मैं इसमें इसको डाल के एडजस्ट कर दूंगी, थोड़ा देर ढक दूंगी। देखो मैंने सारा हलवा इसमें डाल दिया, गाजर, सारा गाजर मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे मिलता जाएगा। देखो इतनी छोटी सी कढ़ाई में मैंने 3 kg कद्दूकस करके डाल दिया है। अब देखते हैं इसको मिला के अच्छे से, अब ये कैसा होता है।
ये देखो इसकी रिजल्ट आए हैं, देखो काफ़ी अच्छे से गल गया है। और ये देखो कढ़ाई भी काफ़ी कम हो गई लग रही है ना क्वान्टिटी, देखो कितना सारा गाजर डाला था मैंने और कितना सही से घुल रहा है ये अंदर, क्योंकि ये जो कढ़ाई है बहुत हल्की कढ़ाई है। तो हमने इसमें इसकी यूज़ जब हम करते इसका यूज़ जब भी करते हैं, जब हमें जल्दी कुछ जलाना होता है या पानी वगैरह जल्दी जल जाए, तो इसके लिए हम ये वाली कढ़ाई यूज़ करते हैं। जैसे कुछ तल ले, फ्राई वगैरह करना हो, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है और इस वजह से पानी भी जल्दी सूखता है इसमें। तो इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ, बड़ी कढ़ाई है पर मैं उसमें नहीं बना रही हूँ, इसमें बना रही हूँ मैं। और ये बहुत अच्छे से बनता है, इसमें देखो कितना अच्छे से घुल गया है गाजर। अब मैं धीरे धीरे, ताकि नीचे लग ना जाए, कढ़ाई हल्की है लग ना जाए, इसलिए मैं नीचे से भी हल्का हल्का पलटती जा रही हूँ बार बार। देखो इसको नीचे से ऐसे करके ऐसे पलट देती हूँ बार बार, ताकि नीचे लगे भी ना और ये हलवा अंदर से धीरे धीरे घुलते रहे। जैसे जैसे ये गल रहा है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। देखो फ्रेंड्स ये अब पूरी तरह से गल गया है, देखो कितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। देखो एक टाइम था जब बिल्कुल इसमें आ नहीं पा रहा था, और अब देखो कितना अच्छे से हो गया ये। अब मैं खोया बनाऊंगी दूध से, और फिर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूंगी, फिर इसकी चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट अभी तक चीनी नहीं डाली हूँ, चीनी की चाशनी बना के डालूंगी मैं इसके अंदर। अब मैं चाशनी बनाती हूँ फिर खोया बनाऊंगी। ये देखो कितने अच्छे से फ्राई हुआ, और कढ़ाई में फ्राई करके बनाया है मैंने, कितना टेस्टी लग रहा है और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं पूरी तरह से बन जाएगा फिर टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है, अभी तो वैसे अच्छा लग रहा है ये। देखो फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ चाशनी, इसमें मैंने पानी डाल दिया और ये मैंने गैस ऑन कर लिया। फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ, इलायची पाउडर, टेस्ट अच्छा हो। और ये पानी गर्म होते ही मैं इसमें चीनी डालूँगी, गर्म हो गया है अब इसमें मैं चीनी डालती हूँ। ढाई सौ ग्राम डालना है, अब ये बन रहा है चाशनी। ये देखो रहा है चिकन की तैयारी हो रही है, रात के खाने में चिकन बन रहा है, पर मैं थोड़ा सा चिकन बिरयानी बनाऊंगी, चिकन बना के ही अपना चावल में अलग से करके। इधर चाशनी तैयार हो रही है मेरी, और देखो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस मुझे एक तार की बनानी है अभी, ये एक तार की नहीं बनी है। ये देखो इससे पहचान में आती है, जब ये ऐसे ऐसे टपकने लग जाएगी तब पता चल जाता है कि एक तार की बन गई है। और ये देखो कितने अच्छे से घुल गई है मेरी चाशनी, ये देखो अभी ये नहीं हुआ है अच्छे से। ये देखो ठीक है, इसे ऐसे पता करते हैं। हाँ ये बन गई है, देखो हमेशा बनाती हूँ गाजर का हलवा और इतना मेहनत नहीं करती, इस बार मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है ताकि मैं इसकी रेसिपी बता सकूँ कि मेरे को इस तरह से भी बनाने आता है। और इसका कलर चेंज हो गया है चाशनी डालने के बाद, ये देखिए पूरा डार्क ब्राउन हो गया है, तो कितना टेस्टी दिख रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है।
अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी रोस्ट करके। गाजर का हलवा तो मीठा हो गया पूरी तरह। देखो फ्रेंड्स, मेरी चाशनी बच गई इतनी सारी दिख, पर बहुत ही अच्छी बनी चाशनी है। देखो बनी है ना चाशनी, थोड़ी सी ही डाली मैंने और ये मीठी हो गई और मेरा इतना सारा चाशनी बच गया है। तो मम्मी ने बोला इसमें ना इसे रोज़ चाय में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, तो चाय में चाशनी डाल के, चाय को चीनी की ज़रूरत नहीं है, चाशनी डाल देंगे रोज़ तो ये ख़त्म हो जाएगी। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मतलब जितना मीठा खाते हैं उस अकॉर्डिंग बनाएं। मैंने तो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा। हाँ ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो उसमें खोया भी डलेगा तो वो ऑलरेडी मीठा हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता, काजू और बादाम। बादाम हमें भी ला रही है, पता नहीं कौन से डब्बे में रख दिए। तो अब बारी है ड्राई फ्रूट डालने की। कोई बात नहीं, डाल देंगे थोड़ा सा मामड़ा बादाम है तो, थोड़ा तो ये मामड़ा बादाम है ये डालने वाले हैं हम। और ज़्यादा मत भिंगो, रुको मैं बता देती हूँ कितना सा भिंगो। तो इसमें मैं देखो कितना सारा चीज़ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स डलने वाली है और इसमें है पिस्ता, बादाम और काजू। तो अब इसे मैं बारीक से काट लूँगी। नहीं अखरोट नहीं डाला जाता, अखरोट से कड़वापन पे आ जाएगा वो। तो इसे मैं कट करके देसी घी में फ्राई करूँगी, फिर मैं डालूँगी गाजर के हलवे में। फ्रेंड्स अब बारी है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के। तो अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे घी में। अब हम घी डालते हैं। घी गर्म हो गया, तो मैं अपने गाजर में डालने वाली हूँ अब ये ड्राई फ्रूट्स। ये देखो इस वाली कढ़ाई में हम ऐसा करते हैं, इस गाजर को निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसमें दूध में दूध डाले हैं खोया बनाने के लिए। इस वजह से मैं इसमें डाल देती हूँ, ये हल्की कढ़ाई है। अब मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इसमें दूध चढ़ा दिया है, उसी गाजर को इसमें निकाल के फिर मैंने इसी वाली कढ़ाई में ही दूध डाल दिया, इसीलिए ऐसा कलर हो रहा है। और ये देखो अब इसे दूध को पूरा जलाना है, उसके बाद इसका खोया बनाना है, फिर देखना गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स घंटों लग गए मुझे गाजर का हलवा बनाने में और ऑलमोस्ट मेरा खोया तैयार होने वाला है। ये देखिए, ये देखो खोया ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है, पूरा यहाँ तक दूध था और जलते 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 यहाँ बैठ गया है। अब ये थोड़ा सा रह गया, फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये गाजर का हलवा। देखना कितना टेस्टी बनने वाला है गाजर का हलवा, और सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही टेस्टी। मतलब खाने में इतना मुँह में ना घुल जाएगा गाजर का हलवा खाते ही, बाजार का खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनेगा। देखो फ्रेंड्स अब ऑलमोस्ट हो गया, देखो मेरा खोया तैयार होने वाला है। देखो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तैयार हो गया है मेरा खोया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ऐसा बिल्कुल रबड़ी की तरह, देखो ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको पास से। ये देखो कहाँ तक दूध था, देखा था ना आप लोगों ने, यहाँ तक था। इसको जलाते 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 कितना टाइम लग गया मुझे, कम से कम घंटों लग गए। अब मैं इसको इसमें गाजर का हलवा डालूंगी। मम्मी इसको ना इसमें धीरे धीरे डालना।
मम्मी डालना धीरे धीरे। सब धर ही रहे आराम से। ये देखो बड़ा स्वाद है। अब देखिए इसका स्वाद। कलर कितना सुंदर कलर आया है। देखो मम्मी कितना सुंदर दिख रहा है ना। रंग भी छोड़ता है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे अच्छे से। देखो गाजर का हलवा फाइनली तैयार है मेरा गाजर का हलवा।